रोहित शर्मा और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप कहते हो कि हिट फॉर्मूला है। काफी बारी रोहित शर्मा का जो है मजाकिया अंदाज वहां से सामने निकल कर आता है, लेकिन हाल फिलहाल में रोहित शर्मा पर सवाल हैं। सवाल उनकी कप्तानी पर भी हैं, सवाल उनकी बल्लेबाजी पर भी हैं, और बेंगलुरु टेस्ट मैच के बाद पुणे में भी जब टीम फेल हुई, मैच हारी, सीरीज हारी, तो सवाल उनसे कठिन पूछे गए और उसके जवाब में जो एक चीज रोहित शर्मा बोल गए वो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि रोहित ये बताइए कि कैसे अलाउड है कि आप टेस्ट मैच हार जाओ, टेस्ट सीरीज हार जाओ, कभी 46 ऑल आउट हो जाओ, उसके बाद कोलैप्स पर कोलैप्स देखो और सीनियर प्लेयर जिम्मेदारी न लें। दरअसल रोहित शर्मा ने एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि भारत जो है 12 साल बाद घर पर सीरीज हारा है, तो उन्होंने बोला यार कि 12 साल में एक बार तो अलाउड है ना। अब काफी लोग उसको गलतियों को जोड़कर देख रहे हैं कि क्या वो गलतियां अलाउड की बात कर रहे हैं या फिर एक सीरीज हार अलाउड है, तो फैंस उसी पर उनसे पूछ रहे हैं बार बार कि भाई 12 साल में अलाउड है। इतनी एक कैजुअल सी उनको एक स्टेटमेंट लगी है कि भाई आप एक टेस्ट सीरीज हारने के बाद जिसमें दो मैचेस जो न्यूजीलैंड के हाथों आपने हार देखी है वहां पर बुरे तरीके से न्यूजीलैंड पूरे तरीके से हावी रहा दोनों मुकाबलों में और भारत के लिए बड़ी हार रही है, और न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने इतिहास में अब तक सिर्फ और सिर्फ दो मुकाबले जीते थे भारत में आकर, और वो इसी सीरीज में दो मुकाबले जीतकर 2-0 से आगे है सीरीज में, और अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड ये भी सोच रहा होगा कि क्लीन स्वीप, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिहाज से भी WTC अगर इंडिया का फंसा है तो न्यूजीलैंड के लिए अलाइव है कैंपेन, उनको बचे हुए चारों टेस्ट मैचेस जीतने हैं जिसमें से एक टेस्ट मैच जो है उनका यहां भारत में है, तो बाकी 3 टेस्ट मैचेस उनके इंग्लैंड के साथ हैं, वो भी उनकी घर की कंडीशंस में होंगे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। हालांकि बाकी चीजों में रोहित शर्मा ने ये जरूर कहा कि WTC फाइनल वगैरह तो ऑब्वियसली अभी उतने दूर की नहीं देख रहे, लेकिन हर्ट हैं वो जिस तरीके से टीम ने खेला, जिस तरीके से ये हार हुई, जिस तरीके से सीरीज हार हुई, तो उन सब ने दर्द जरूर पहुंचाया है। लेकिन जवाब देते हुए जब रोहित शर्मा ने यह चीज बोली कि भाई 12 साल में ये एक बार तो अलाउड होता है, उसको लेकर फैंस जो हैं बिल्कुल भी वहां पर खुश नहीं है जिस तरीके की स्टेटमेंट रोहित शर्मा से निकल कर आई है। और हमने देखा भी था 46 ऑल आउट के बाद रोहित शर्मा बेंगलुरु टेस्ट में पहले दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने आते ही कहा कि चलिए भाई चलाइए तलवारें क्योंकि आपके सवाल होंगे कठिन सवाल, और उन्हें जवाब भी दिए वहां पर फेस किया, उन्होंने अपनी गलती जो है एक्सेप्ट भी करी, एडमिट भी करी कि हाँ पिच कंडीशंस रीड करने में। लेकिन इसी पर अब सवाल, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कुछ इसी तरीके से रही कि 12 साल में एक बार ही अलाउड है, तो जो लगातार क्रिकेटर डोमेस्टिक क्रिकेट कवर कर रहे हैं तो उन्होंने पिछले मैच की भी एक स्टेटमेंट उठाते हुए पूछा है जब रोहित शर्मा ने कहा था कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पिच इतना सीम होगा, इतनी ज़्यादा मदद होगी, तो उन्होंने रोहित शर्मा से एक सवाल पूछा है कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलोगे नहीं, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी यानी कि दुलीप ट्रॉफी का मुकाबला, पहला मुकाबला जो बेंगलुरु में हुआ था, और वहां पर आप लोगों ने भी और हमने भी अपडेट दी थी, तो हमने बात करी थी कि कैसे पहले दिन ही बेंगलुरु में गेंद सीम हो रहा था, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई जब आप जाकर डोमेस्टिक खेलोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आपको पता कहाँ से होगा कि पहले दिन बेंगलुरु में इतनी मदद भी हो सकती है, और वो तो कंडीशन वहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी क्योंकि पिच अंडर कवर थी, बारिश लगातार गिर रही थी। तो अभी अगर देखें तो रोहित शर्मा के लिए, टीम इंडिया के लिए हालात जो हैं बिल्कुल सही नहीं है। गौतम गंभीर पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत 12 साल बाद, 12 साल पहले आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम भारत आकर जो है टेस्ट सीरीज जीत कर गई थी, उसके बाद भारत घर पर अनबीटन एंजॉय कर रहा था, और अब फाइनली न्यूजीलैंड की टीम ने आकर भारत को जो है हरा दिया है, 2-0 से वो सीरीज में आगे है। इंडिया के लिए सीरीज में क्लीन स्वीप से बचना है और देन मुकाबला जीतकर जो है WTC की उम्मीदों को भी जिंदा रखना है, क्योंकि आगे आपको इससे भी बड़ा चैलेंज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना है, तो उस पर भी अपडेट आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे कि इंडिया का अब WTC सिनेरियो क्या बन रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग फैंटेसी यात्रा में जो है अपनी टीम्स बना रहे होंगे, क्योंकि वहां पर 22 हेड टू हेड कॉन्टेस्ट अगर आप लगातार जीतते हैं तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है 1 करोड़ रुपए जीतने की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाएं अपनी टीम्स बनाएं। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।